मी A1 में ओरियो 8. जुलाई सिक्योरिटी पैच के अपडेट के बाद बैटरी में बहुत ज़्यादा इश्यूज देखने के लिए मिली है। एटलीस्ट मैं तो अपने फ़ोन में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ बैटरी को लेके। तो यहाँ पर अनयूजुअल टाइप की है जो है बैटरी ड्रेनिंग हो रही है, और जो मेरे से सहमत है वो भी मेरे साथ एग्री करेंगे। लेकिन यहाँ पर आज का जो वीडियो है वो एक जनरल टॉपिक पे है। यहाँ पर हम कभी कभी क्या कर लेते हैं, अपने फ़ोन पे जो है क्लीनिंग ऐप्स वगैरह यूज़ करते हैं, बैटरी बूस्टिंग ऐप्स वगैरह आती हैं, और फिर रैम क्लियरिंग ऐप्स आती हैं, कभी कभी एंटीवायरस भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह के जो है ब्लोटवेयर्स ऐप हमें अपने फ़ोन पे यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आपने करके रखा है ऑलरेडी तो आप उसे अनइंस्टॉल कर सकते हो। और बैटरी बूस्टिंग ऐप या रैम क्लियरिंग ऐप या जो क्लीनिंग ऐप हमें हमारे फ़ोन में एक्चुअल में कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। और अगर आपको अपनी बैटरी को बूस्टअप करना ही है तो आप प्ले स्टोर से एक ऐप आता है ग्रीनिफाई करके, उसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो। ये जो ऐप है पहले ये रूटेड डिवाइसेस के लिए अवेलेबल था, लेकिन अब इसे अनरूटेड डिवाइस के लिए भी जो है उपलब्ध कर दिया गया है। तो आप इसे प्ले स्टोर से आसानी से जो है इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप सीधे सीधे ग्रीनिफाई टाइप करें या आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक है उससे इंस्टॉल कर सकते हो। इस ऐप की जो खासियत है मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, ये बहुत सारे बैकग्राउंड में जो हमारे फ़ोन में जो ऐप्स बैकग्राउंड में रन करती है, जैसे एक नॉर्मल ऐप की बात कर ले, अगर फ्लिपकार्ट आपके फ़ोन में इंस्टॉल है तो फ्लिपकार्ट जो है आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन सारे दिन जो है भेजती रहती है। तो यहाँ पर जो है बैकग्राउंड में वो डाटा कंज्यूम कर रहा है, और डेटा कंज्यूम के साथ वो बैटरी भी कंज्यूम कर रहा है। तो ग्रीनिफाई एक ऐसा ऐप है जो आपके फ़ोन में कौन सी ऐप जो है बैकग्राउंड में रन कर रही है वो बता देगा आपको, और अगर आप चाहो तो वो उसे हाइबरनेशन में डाल देगा, मतलब उसे हाइबरनेटेड कर देगा, मतलब एकदम जनरल बात करें तो उसे स्लीप में डाल देगा, मतलब ये बैकग्राउंड में है जो है डेटा नहीं कंज्यूम कर पाएगी। और फिर जब ऐसा नहीं है कि आप ऐसा करने से आप उस ऐप को नहीं यूज़ कर पाओगे, आप ऐप को यूज़ भी कर पाओगे। अब जब उस ऐप को यूज़ करोगे तो वो हाइबरनेशन स्टेट से जो है फिर से रिवाइव कर जाएगी, मतलब नॉर्मल स्टेट में आ जाएगी, और फिर अगर आप चाहो तो ग्रीनिफाई में जाके उसे फिर हाइबरनेटेड कर सकते हो। इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, रात को सोने के टाइम जो बैकग्राउंड रनिंग ऐप्स है उन्हें तो हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं, और वैसे अगर हम 50% चार्ज लेके फ़ोन को सो जाते हैं और सुबह उठ के देखते हैं कि लाइक 40% लाइक चार्ज बाकी है, तो यहाँ पर ग्रीनिफाई अगर आप यूज़ करते हो तो वो बैकग्राउंड रनिंग ऐप्स को ये हाइबरनेशन में डाल देगी। तो ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरह से है। इसके बाद आप देखोगे कि इस पेज के बाद यहाँ पर आपको एक आएगा लाइक वर्किंग मोड है, यहाँ पर माई डिवाइस इज़ नॉट रूटेड, माई डिवाइस इज़ रूटेड एंड आई एम नॉट श्योर। तो यहाँ पर आप जो है अगर आपका डिवाइस रूटेड है तो आपको आपको पता है क्या करना है आपको। मेरा डिवाइस अनरूटेड है तो मैं यहाँ पर अनरूटेड ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पर उसके बाद कुछ परमिशन वगैरह डालनी पड़ती है ये स्मार्ट हाइबरनेशन की, मतलब स्लीप में डालने की। तो यहाँ पर आपको पहले ही परमिशन ग्रांट कर देनी है, और उसके बाद जो स्क्रीन आएगी वो कुछ इस तरह से है। ग्रीनिफाई को आप स्पेशल परमिशन यहाँ पर डाल दो, और उसके बाद फिनिश कर देना है, और कुछ इस तरह का दिखता है उसके बाद। तो ग्रीनिफाई इंजॉय और फॉरगेट, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो प्लस साइन है यहाँ पर आपको इसे करना है। और उसके बाद आपके फ़ोन में जो जो ऐप्स बैकग्राउंड में रन करती है आप देख सकते हो, यहाँ पर मी रिमोट के बगल में एक ब्लू कलर का आइकन था, और यहाँ पर जैसे आप मोर ऐप्स में जाओगे यहाँ पर आप देख सकते हो अमेज़न शॉपिंग, यहाँ पर ब्लू कलर का जो राइट हैंड साइड में आइकन है मतलब ये बैकग्राउंड में कंज्यूम करती है। तो आपको ये वाली ऐप्स को सिलेक्ट करना है यहाँ पर। तो जैसे मैं यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेक्ट कर रहा हूँ एस्पर लाइन, डुओलिंगो, जीएफएक्स टूल्स, हेलो इंग्लिश, जियो टीवी, काइनमास्टर, फिर पबजी, और यहाँ पर लैंग्वेज ऐप्स जो हैं वो सारी जो है सारे दिन आपको नोटिफिकेशन वगैरह भेजती रहती है। अमेज़ोन की भी नोटिफिकेशन आती है, फिर आपको फ्लिपकार्ट की भी नोटिफिकेशन आती होगी। तो यहाँ पर हाइबरनेटेड आप देख सकते हो, और यहाँ पर एस्पर लाइन जीएफएक्स को हाइबरनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर हाइबरनेटेड आप देख सकते हैं। मैंने इन सारी ऐप्स को जो है हाइबरनेशन में डाल के रखी है, बुक माई शो, हॉटस्टार, फ्लिपकार्ट, यहाँ पर इंस्टाग्राम, ये सारी जो है बैकग्राउंड में डाटा कंज्यूम करती है। और जैसे आप इनको हाइबरनेशन में डाल दोगे आपको बैटरी में बैटरी की परफॉर्मेंस में और बैटरी जो ड्रेनिंग की इशू आपको मी A1 में आ रही है उसके बाद बहुत सारा जो है फ़र्क देखने के लिए मिलेगा। और आप जैसा कि मैंने कहा था कि जैसे आप हाइबरनेटेड में डाल देते हो मतलब ऐसा नहीं है कि आप इस ऐप को यूज़ करने में आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह आएगी, आप डायरेक्ट जब ऐप को यूज़ करोगे तो हाइबरनेशन से वो खुद ब खुद हट जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी में जाके ग्रीनिफाई को परमिशन तो देनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ एक एक ऐप को, यहाँ पर डायरेक्ट आप यहाँ से खोल भी सकते हो, और यहाँ पर ये जैसे आप खोलोगे तो वो फिर हाइबरनेशन में नहीं है, फिर आपको मैनुअली हाइबरनेटेड उसको करनी पड़ेगी। जियो म्यूज़िक बहुत ज़्यादा जो है बैकग्राउंड में डेटा कंज्यूम करता है,
आपको जो पॉपअप वगैरह आते रहते हैं सारे दिन आपके फ़ोन में, तो मतलब ये पूरा जो है खुद ब खुद बैटरी कंज्यूम करती है। और जैसा कि मैं कह रहा था, आपको ऐप एनालाइज़र में ये ब्लू कलर की आइकन दिख जाएगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि बैकग्राउंड में कौन डेटा कंज्यूम करता है। जियो टीवी की पूरी दिन नोटिफिकेशन आती रहती है, मतलब वो पूरा दिन जो है बैटरी कंज्यूम करता है, डेटा भी कंज्यूम करता है। तो इसे आप मैनुअली हाइबरनेशन में डाल सकते हैं। अलग मैंने फ्लिपकार्ट को डाल के रखा है हाइबरनेशन में, और जैसे ऐप ड्रॉअर से मैं फ्लिपकार्ट को ऑन करता हूँ, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐप को यूज़ करने में। और पूरा दिन अगर आप शॉपिंग वाले जो ऐप्स आते हैं लाइक फ्लिपकार्ट, अमेज़न, इसे पूरा दिन अगर यूज़ नहीं करते, तो इनको मैनुअली जो है हाइबरनेशन में डाल के रखो पूरा दिन। और यहाँ पर जियो टीवी के जो ऐप्स वगैरह आते हैं, तो हाइबरनेशन में डाल के रखोगे तो आपको बैटरी कंज्यूम की इशू नहीं आएगी। तो इस तरह से लाइक अपने मी A1 में आप बैटरी ड्रेनिंग की या बैटरी बैकअप की जो प्रॉब्लम आ रही है उसे थोड़ा राहत पा सकते हो। लाइक मैं भी इसे 2-3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, अब मुझे बैटरी में थोड़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आई है। आप भी मुझे कमेंट्स में बताना इसे यूज़ करके कि आपको कितना फ़र्क आ रहा है बैटरी यूज़ करने में मी A1 के। और लाइक आप रात को अगर फ़ोन ऑन करके सोते हो, तो आप डेफिनेटली जो है ऐप्स को हाइबरनेशन में डाल के आप इसे एक बार चेक कर सकते हो कि सुबह उठ के आपकी कितनी बैटरी जो है बच जाती है, और पहले कैसा था और उसके बाद कैसा है। तो लाइक आप कमेंट्स करो मुझे इस वीडियो के नीचे, और बताओ कि आपको कैसा लगा ये ऐप। और अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक इसे सब्सक्राइब करने को कंसीडर कर सकते हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।